भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है और इसके साथ ही पूरा देश अलग अलग तरह के फंगस की चपेट में भी आ रहा है। भारत में विकराल रूप ले रहा म्यूक्रोमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में ब्लैक फंगस के 262 मरीजों का इलाज हो रहा है। वहीं अब इस शहर में ब्लैक फंगस के अलावा एक और फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया है जिसका नाम है एस्परगिलोसिस। जी हाँ, अब कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों को एस्परगिलोसिस नाम का ये फंगस अपनी चपेट में ले रहा है। गुजरात के वडोदरा के SSG अस्पताल में इस नए फंगल इन्फेक्शन के 8 मरीज मिले हैं जो पिछले हफ्ते ही अस्पताल में भर्ती हुए हैं। शहर और जिला प्रशासन के लिए COVID-19 के सलाहकार डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने एक इंटरव्यू में बताया कि पल्मोनरी एस्परगिलोसिस आमतौर पर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मरीजों में देखा जाता है, लेकिन साइनस का एस्परगिलोसिस खतरनाक है। हम इसे अब उन मरीजों में देख रहे हैं जो कोविड से ठीक हो गए हैं या उनका इलाज चल रहा है। हालांकि एस्परगिलोसिस म्यूक्रोमाइकोसिस जितना विकृत नहीं है, लेकिन ये आक्रामक है। इन दिनों देखे जाने वाले फंगल संक्रमण ज्यादातर राइनो ऑर्बिटेबल सेरेब्रल मार्ग में आक्रामक होते हैं। डॉक्टर शीतल के मुताबिक इतने फंगल इन्फेक्शन के मामले सामने आ रहे हैं क्योंकि मरीजों के इस्तेमाल के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जा रहा है और ऑक्सीजन की आपूर्ति को हाइड्रेट करने के लिए नॉन स्टेराइड पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं आइए आपको बताते हैं कि एस्परगिलोसिस फंगल इन्फेक्शन होता क्या है। वैसे तो इस फंगस की चपेट में हर व्यक्ति आता है, लेकिन जो फेफड़े से संबंधित बीमारी से परेशान हैं या फिर जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है उन पर इस फंगस का सबसे ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि कई बार ये फंगस फेफड़े के अंदर छेद बना देता है। इसके लक्षण की बात करें तो बलगम के साथ खून आना, सांस फूलना, लगातार बुखार, सीने की हड्डियों में दर्द, त्वचा में घाव बनने जैसी स्थिति हो तो आपको सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। वहीं इस एस्परगिलोसिस फंगस के दो रूप हैं। सबसे पहला एलर्जी ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परगिलोसिस, जिसमें एलर्जी होती है, जिन्हें खांसी के बाद सांस लेने में दिक्कत होती है। वहीं जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है उनमें इन्वेसिव एस्परगिलोसिस होती है। फंगल के इस रूप में सबसे पहले फेफड़े प्रभावित होते हैं और फिर किडनी और फिर ब्रेन में संक्रमण होता है। एस्परगिलोसिस के खतरे से बचने के लिए कोरोना को मात देने वाले मरीजों को बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि कोरोना से ठीक हुए मरीजों में इम्यूनिटी काफी कमजोर होती है। ऐसे में कोरोना से ठीक हुए मरीजों को घर से लेकर बाहर तक हाइजीन अपनाने की जरूरत होती है। वहीं अपना ब्लड शुगर कंट्रोल रखने की बहुत जरूरत होती है। अगर मरीज अस्पताल से घर पहुंचे तो वो धूल वाली जगह या खेत में जाने से बचे। वहीं कोरोना से ठीक होने के बाद भी कुछ दिन तक मास्क लगाएं ताकि वो किसी फंगल इन्फेक्शन की चपेट में ना आए। इस फंगल इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए एस्परगिलोसिस के लक्षण के आधार पर मरीजों का एक्सरे सिटी स्कैन कराकर देखा जाता है और जरूरत पड़ने पर स्पुटम कल्चर टेस्ट भी होता है। इसके बाद ही अगर स्थिति साफ न हो तो बायोप्सी कराई जाती है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।